वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैलोग्राम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसमें क्या दे रखा है हमें, इन्हें फिगर 9.23। हमारी फिगर ये रही 9.23। फिगर 9.23 फिगर हमारे सामने है। इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी, ये एक कोई पॉइंट है जो कि हमारी ए डी है, मीडियन है, उस पर दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। और हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी ई, इसका एरिया ए ई सी के इक्वल कर। सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन है हमको ए डी इज ए मीडियन, ए डी इज ए मीडियन। और ये हमको पता है जो मीडियन है वो हमारे ट्रायंगल्स को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए डी विल डिवाइड ट्रायंगल ए बी सी इन इक्वल टू पार्ट्स, हमारे दो पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा। कौन कौन से में, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए बी डी और हमारा ए बी सी बोल सकते हैं, इन दोनों का एरिया हमारा हो गया इक्वल। तो हम इसको दे सकते हैं फर्स्ट। फिर नाउ जो हमारा ए डी है वो डिवाइड कर रहा था मीडियन है, तो हम ये भी कह सकते हैं ई डी आल्सो ए मीडियन फॉर बी ई सी ट्रायंगल। तो हम ये कह सकते हैं नाउ ई डी आल्सो मीडियन फॉर मीडियन ट्रायंगल बी ई सी, तो इट आल्सो डिवाइड टू ट्रायंगल्स इन द टू इक्वल पार्ट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, जो बी ई डी है इसका एरिया हमारा ई डी सी के एरिया के इक्वल है। इसको हमने दे दिया सेकेंड। फ्रॉम बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम इस वाले ट्रायंगल के एरिया में से ए बी डी के एरिया में से अगर हम बी ई डी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा ए बी का एरिया हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा अगर ए डी सी के एरिया में से हम ई डी सी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ए ई सी। तो देखो हमने अब क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। अगर हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा एरिया कौन सा बचा, ये वाला एरिया बचा ये, और इधर से जब सब्ट्रैक्ट करने पर ये एरिया बचा हमारा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा एरिया बचा ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई सी। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।